हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत और आप देख रहे हो चैनल बियॉन्ड। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना Realme 2 एंड Realme 2 Pro मोबाइल का जो इंटरनेट स्पीड है उसे आप कैसे बढ़ा सकते हो, इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सेटिंग्स खोल लेना होगा। सेटिंग्स खोल लेने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल यहाँ पर करना होगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपका जो सिम कार्ड जो नंबर यहाँ पर चूज कर लेना होगा। चलिए चूज कर लिया। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर डेटा रोमिंग का ऑप्शन ऑन नहीं है तो इसे ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये ऑन नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप इधर उधर जाओगे तो ठीक से नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसके बाद क्या करोगे, जो नीचे की तरफ जो कैरियर का ऑप्शन यहाँ पर कीजिए क्लिक, और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक सिलेक्शन मोड का ऑप्शन अगर ऑन नहीं है तो इसे कीजिए ऑन। तो आप क्या करना होगा, आप ये जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप यहाँ पर कीजिए क्लिक, और क्लिक करने के बाद अगर 2G है, 3G 2G है तो इसे 4G 3G 2G ऑटो मोड पर कीजिएगा। तो आप बोलोगे तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको बताता हूँ कि इसके बाद भी क्या कुछ करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट नेम, यहाँ पर कीजिए क्लिक, और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो एक्सेस पॉइंट नेम इसका राइट साइड में यहाँ पर फिर से करना होगा क्लिक। ओके, इसके बाद ये जो नेम है APN है इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, आप यहाँ पर APN प्रोटोकॉल यहाँ पर क्लिक करके ये जो अगर आपके पास है जो APN प्रोटोकॉल IPv4 IPv6 है तो इसे कर दीजिए IPv4 एंड IPv6। करने के बाद यही सेम APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IPv4 एंड 6 में कर दीजिए। करने के बाद आप ये जो नीचे की तरफ देख सकते हो BRR की एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद अगर ये अनस्पेसिफाइड है तो इसे कीजिए LTE, इसको ऑन कर दीजिए। करने के बाद यहाँ से आने के बाद आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो 50% तक बढ़ जाने की चांसेस हैं, इंक्रीज होने की चांसेस हैं। अगर इससे भी नहीं होता तो क्या करना होगा, आपके पास सिर्फ और एक ही चांस रहता है कि आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसे कॉल कीजिए और कस्टमर केयर में कॉल करके बोलिए कि आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ज़्यादा 72 आवर्स समझ लेते हैं, इसके अंदर ये सॉल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।